तो आज हम लोग बनाने वाले एक ऐसा फार्म जो कि हम लोगों को देने वाला है अनलिमिटेड एमराल्ड्स, गन पाउडर, रेडस्टोन और बहुत सारी चीजें। और ये फार्म बनाने के लिए हमारे को लगे थे 95 आवर प्लस। तो ये सबसे मस्त बिल्ड होने वाला है क्योंकि ये हमारे को देने वाला बहुत सारी चीजें और ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट बिल्ड होने वाला है। तो जल्दी से हम लोग अपना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो गाइस, जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में मेगा फार्म देखा था, मतलब हमारा वर्ल्ड्स बिगेस्ट आयरन फार्म, क्रीपर फार्म के बाद हम लोगों ने ये वाला आयरन फार्म बनाया था। और ये इतना एफिशिएंट है कि मतलब भाई ये देखो, पूरे चेस्टे आयरन से भरी हुई है, मतलब डबल चेस्ट भरने वाली है। बस इसके पास एएफके रहना होता है, जो कि हम लोग बहुत कम रह रहे थे। हम लोग थोड़ी देर ही एएफके रहते जिससे हमारे को इतना सारा आयरन मिल गया। मतलब भाई मजे ही आ गए। और भाई इतने फूल मिल रहे कि सारी जगह गार्डन दिख रहा हमारे इधर। तो गाइज, अभी अपना प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे सीधा अपने पुराने वाले रेड फार्म है, उधर ही साइड पे ओशियन है। तो हम लोग वो रेड फार्म को हटा के हम लोग बनाएंगे अपना मेगा रेड फार्म, जिससे हमारे को बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो हम लोगों ने रिसोर्सेस थोड़े से कलेक्ट कर लिए थे एंड थोड़े और कलेक्ट करते हैं। पहले मैं जाके अपने शॉवल को मैक्स कर लूं। तो गाइज, अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने पुराने रेड फार्म पे, जो कि है इधर ही पास में कहीं पे है। तो गाइज, अभी हमारे को बनाना है रेड फार्म अपना इधर, और ये हमारे गन पाउडर फार्म के एकदम पास में। और हम लोगों को आउटपोस्ट पे उधर मारने जाना पड़ेगा, फिर वहां से यहाँ पे आएंगे तो हमारे को कंटिन्यूस इफेक्ट मिलता रहेगा। वो ट्रिक मैं बाद में आपको बता दूंगा कि कैसे कंटिन्यूस इफेक्ट लेना चाहिए। 69 लेवल तक बनाना है इसको, 69 लेवल तक साउथ में। थ्री टू वन, लेट्स गो। तो गाइज, अपने को ये पूरा हटाना पड़ेगा यहाँ से एंड इसको भी हटाना पड़ेगा। तो गाइज, अभी हमारे को हो चुके हैं 5 घंटे बनाते बनाते एंड अभी तक तो थोड़ा सा ही कंप्लीट हुआ है। और 2 ट्राइडेंट वाले ज़ॉम्बीज आए थे, मैंने उनको मारने की कोशिश की, उन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की। उनके पास ट्राइडेंट था, वो लोग मेरे को शो ऑफ करके दिखा रहे थे। मेरे को दिल किया ट्राइडेंट लेने का, पर मेरे को मारने पे मिला नहीं। मतलब क्या है भाई ये, समझे चाचा? तुम इतना कांपते क्यों हो भाई? कौन कांप रहा है? तुम। तो ये फार्म बनाने के लिए हमारे को लगे थे 17 आवर प्लस। उसके बाद हुआ ये कि जब हम लोग विलेजर आउटपोस्ट से जाके इफेक्ट लेके आए थे, तो हमारे यहाँ पे आते ही एक बार रेड हुई थी और वो पिलेजर्स भी एक ऐसी जगह पे स्पॉन हुए थे जहाँ पे ये फार्म में नहीं होने चाहिए थे। हमारे को वही टाइम पे डाउट आया था कि ये फार्म सही से नहीं चल रहा, फिर हमने सोचा कि और एक बार रेड करा ली जाए। पर दूसरी रेड में हुआ ये कि हमारा रेड फार्म फुल होते ही गायब हो गया। तो इससे हमारे को पूरा कंफर्म हो गया था कि हमारा ये फार्म गलत बना है। इसका मेन रीजन हमारे को 4 घंटे बाद पता चला कि हम लोगों ने ये फार्म गलत चंक पे बनाया था। और ये चंक, अगर आप लोग सोच रहे होगे कि जो कोऑर्डिनेट्स के नीचे चंक दिखता है, वो चंक नहीं है, इसको कहते हैं सब चंक, जो कि किसी को आइडिया नहीं होता है। हमारे को भी वैसे आइडिया नहीं था क्योंकि हम लोगों ने इतने फार्म बनाए थे, इसका आइडिया नहीं था। और हम लोगों ने बहुत सारे फार्म बनाए थे पर हमारे को सब चंक का कहीं पे यूज नहीं पड़ा था। तो ये फार्म में हमारे को सब चंक का यूज पड़ा था। तो 17 आवर्स हम लोगों ने जो बनाया था, फिर हम लोगों ने उसको तोड़ के पूरा प्रॉपरली बिल्ड किया। और बिल्ड करने के लिए हमारे को लग गए 2 दिन, क्योंकि जब हम लोग तोड़ रहे थे तो थोड़े रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं हो रहे थे और थोड़े पानी में चले जा रहे थे। तो उसकी वजह से हमारे को 2 दिन और लग गए थे ये बनाने के लिए। और बनाने के बाद भाई जो रिजल्ट था आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। तो ये फार्म बनाने के बाद हमारे को मिले 50 स्टैक एमराल्ड, वो भी 5 मिनट में। और मेरी कंप्लीट हो गई थी 100 XP। और 50,000 एमराल्ड्स के साथ साथ हमारे को बहुत सारी दूसरी चीजें भी मिली थी, जो कि हमारे को फेंकनी पड़ी क्योंकि चेस्ट में हमारी जगह नहीं बच रही थी। तो ये फार्म बनाने के लिए हमारे को लगे 95 आवर प्लस। एंड वीडियो अच्छी लगी गाइस तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हमारी एक SMP भी है जिसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टिल देन गाइस, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय गाइस।